हे दोस्तों, क्या हो जब कोई हद से ज़्यादा क्रिएटिव औरत की शादी उस घर में हो जाती है जहाँ उसकी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का यूज़ ही नहीं करने दिया जाता। क्या उस व्यक्ति में दबा पड़ा आर्ट कहीं से अपना आउटलेट बना सकता है? यही सब कुछ देखने के लिए हम स्टडी करेंगे पोएम आंट जेनिफर स्ट्राइगर रिटन बाय एड्रिन ड्रेक। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश पर, अ चैनल फॉर स्कैंडी स्कूल स्टूडेंट वेयर लर्निंग इंग्लिश इज़ अ फन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है बुक फ्लेमिंगो की सबसे लास्ट पोएम आंट जेनिफर स्ट्राइगर पर। सबसे पहले ऑथर के बारे में, एड्रिन रिक, बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड, शी वॉज एन अमेरिकन पोएट, स्कॉलर, टीचर एंड क्रिटिक हुज पोएट्री स्पीक्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमन। शी इज ट्रूली अ फेमिनिस्टिक पोएट। वो औरतों के अधिकारों के लिए बोलने वाली लेखक है। The poem brings out the miserable plight of a married woman. Poem एक शादीशुदा औरत की व्यथा बयान करती है, stuck in wedding ties with an aggressive husband, जो फंसी हुई है शादी के बंधन में एक बहुत ही aggressive और cruel पति के साथ। इससे पहले कि हम stanza wise poem को explain करें, आइए समझते हैं कुछ difficult words और उसके meaning। Prance, walking in a jumping manner, उछलते हुए चलना। टोपैज, येलोस्टोन, पुखराज, डेनिजंस, रेजिडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, एक निश्चित जगह के निवासी। शिवेलरिक, ब्रेव, प्लाइट एंड हेल्पफुल। फ्लटरिंग, ट्रेम्बलिंग या शिवरिंग, फड़फड़ाते हुए। मैसिव ऑफ ह्यूज साइज, भीम काय, ऑडिल, पेनफुल जर्नी। आंट जेनिफर स्ट्राइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर्स की टाइगर एक स्क्रीन पर उछलते हुए चल रहे हैं। दे लुक ब्राइट एंड येलो, वे चमकदार पीले दिखाई दे रहे हैं। दे लिव इन ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल में रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मन अंडर द ट्री, वे पेड़ों के नीचे खड़े व्यक्तियों से भी नहीं डरते। दे वॉक इन अ डिग्निफाइड मैनर, वो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा ये बताता है कि आंट जेनिफर्स डरी और सहमी हुई है। हर वीक फिंगर्स ट्रेम्बल थ्रू हर वूल, उसकी कमज़ोर उंगलियां ऊन से कढ़ाई करते हुए कांप रही हैं। शी इज़ फ्राइटेंड, वे डरी हुई है एंड सबमिसिव सहमी हुई है। शी फाइंड्स द आइवरी नीडल वेरी हार्ड टू पुल, वे बड़ी मुश्किल से आइवरी नीडल सफ़ेद सिलाइयों को खींच पा रही है। अपनी इस शादीशुदा जिंदगी में वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही है। द ह्यूज वेट ऑफ अंकल्स बेडिंग टाइज सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, अंकल के साथ शादीशुदा जिंदगी का बहुत भारी बोझ मानो आंट के हाथों को जकड़ा हुआ है। अब ऑथर सोचना शुरू करती है, व्हेन द आंट विल डाई, जब आंटी मर जाएगी, हर हैंड विल स्टिल शो, उसके हाथ तब भी दिखाएंगे ऑल द पेनफुल टॉर्चर्स, वह सारा का सारा टॉर्चर वाई विच शी वॉज एनस्लेव्ड, जिसके द्वारा उसको गुलाम बनाया गया था बाय द अंकल अंकल। बट द टाइगर्स दैट शी क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन, पर टाइगर जो उसने तस्वीर में बनाए हैं, विल गो ऑन जंपिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वे ऐसे ही उछलते जाएंगे नीडर और गर्व से भरे हुए। अब जल्दी से एक नज़र डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस के ऊपर। हाउ डू डेनिजंस एंड शिवेलरिक ऐड टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, द वर्ड डेनिजंस और शिवेलरिक कैसे टाइगर के एटीट्यूड को समझने में मदद करते हैं। द वर्ड डेनिजंस मीन्स दैट दोज टाइगर्स आर नेचुरल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ ग्रीन फॉरेस्ट, ये टाइगर्स हरे भरे जंगलों में रहने वाले जानवर हैं। द वर्ड शिवेलरिक मीन्स दैट दिस टाइगर्स आर ब्रेव, बहादुर, डिग्निफाइड, प्रतिष्ठित एंड अनअफ्रेड ऑफ मैन, और आदमियों से बिल्कुल भी नहीं डरते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इमेज अंकल की शादी की अंगूठी का भारी बोझ हमें क्या सजेस्ट करती है। आंट जेनिफर्स मैरिज इज़ लाइक अ हैवी बर्डन पुट ऑन हर, आंट जेनिफर की शादी उस पर एक बहुत भारी बोझ है। शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर फॉर्मर फ्रीडम, वह अपनी सारी शादी के पहले की स्वतंत्रता खो चुकी है। नाउ शी हैज़ बिकम अ स्लेव टू अंकल, वे अब अंकल की गुलाम हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर्स, क्या आप
aunt ke prati sanubhuti rakhte hain. Yes, we sympathize with Aunt Jennifer's because of the hardship, un mushkilon ke karan that she faced in her married life, jo woh apni shaadi shuda zindagi mein face kar rahi hai. Even then, she is very true to her art. Iske bawajood woh apni kala ke prati bahut sachi hai. By creating lovely pictures of tiger, and the attitude of the speaker is also the same. Interpret the symbol found in this poem. Kavi ne kavita mein kaun kaun se symbols ka prayog kiya hai? There are three main symbols: tigers, screen, and the marriage wand. Tigers represent the creative energy of the woman. Screen is the place where this energy works. Band or ring are the ordeals and hardships in the marital relationship. बैंड और रिंग उस यातना और दर्द को सिंबलाइज करते हैं जो औरतें शादीशुदा जिंदगी में अनुभव करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम? द वर्ड रिंग्ड कन्वेज द आइडिया दैट आंट जेनिफर कैन नेवर गेट आउट ऑफ हर स्लेविश रूटीन. द वर्ड रिंग ये बताता है कि आंट कभी भी अपने गुलामों वाली रूटीन से बाहर नहीं आ सकती. इट आल्सो सजेस्ट्स द रिंग ऑफ सर्कस. वर्ड सर्कस के रिंग को भी सजेस्ट करता है. वेयर एनिमल्स आर मास्टर्ड, यहाँ एनिमल्स को गुलाम बनाया जाता है. आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी ऑन माई यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश, वेयर लर्निंग इंग्लिश इज़ अ फन.